हे एवरीवन, वेलकम टू अवीसी व्लॉग्स। काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आया है, बट आज मैं एक नया व्लॉग बना रहा हूँ बिकॉज वी हैव प्लान्ड अ राइड टू जवाहर विच इज़ अबाउट 130 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे। इतने टाइम से व्लॉग इसलिए नहीं आया है क्योंकि पैंडमिक है और घर पे ही था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। वैसे पैंडमिक अभी भी चल रहा है बट थोड़ा ईज ऑफ हुआ है और मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने अपॉर्चुनिटी ली है कि हम एक राइड पे जाके आए बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग रियली हैवीली। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टेक आवर प्रिकॉशंस, वी आर गोइंग टू हैव आवर मास्क, वी आर गोइंग टू कैरी हैंड सैनिटाइजर एज वेल एंड वी आर नॉट गोइंग टू शेक हैंड्स। इट्स जस्ट दैट वी आर थ्री ऑफ अस ऑन थ्री बाइक्स, सो इट शुड बी अ लॉट ऑफ फन। सो ये लॉकडाउन मार्च से चल रहा है और अब है जून, आज टू बी स्पेसिफिक इट इज़ जून 20th। एंड इन 3 महीनों में मैंने बाइक चलाई नहीं है। बाइक मैंने सिर्फ एक बार गर्म करने के लिए चालू की थी और एक बार मैंने चलाई थी। सो आज बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, इतने टाइम के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ 3 महीने के बाद। कल वैसे छोटी सी टेस्ट राइड की थी मैंने जाके एयर प्रेशर चेक कराया था और ऑयल थोड़ा चेक किया था एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। आई होप आज हमारा राइड अच्छा रहे, बाइक अच्छी चले एंड ऑल्सो भगवान हम पे कृपा करे और बहुत बारिश ना करे। ड्रिजल अच्छी, आई मीन ड्रिजल में मज़ा आएगा। ओवरऑल आई वुड लाइक टू बी ड्राई। तो अभी हम लोग हाईवे पे हैं और मैंने कैमरा अभी जस्ट चालू किया है बिकॉज अभी थोड़ा लाइट है, एज यू कैन सी। अंधेरे में मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। पीछे साहिल और कुणाल है जो मेरे साथ आज राइड पे है एंड दे आर रिफ्यूलिंग द बाइक। मेरी बाइक तो मार्च से फुल टैंक पड़ा है, मतलब सिंस मार्च टिल नाउ आई हैव रिडन इट ओनली फॉर 22 किलोमीटर्स, वो भी जब लॉकडाउन चालू हुआ उसके पहले। तो आज हमारे पास है दो डोमिनार, एक मेरी डोमिनार है, एक साहिल की डोमिनार है और कुणाल है एक्सपल्स 200 के एंड वी इजीली एबल टू क्रूज एट 90। फिलहाल 3 महीने के बाद हम बाइक चला रहे हैं तो इट इज़ गुड दैट वी आर नॉट गोइंग वेरी फास्ट एंड आई थिंक दिस इज़ a very good speed right now to maintain. I'm so grateful cause I can say that I remember what it was like to not know peace. Every waking moment of love and I remember what it was like to not know love. But now I receive what I return. अभी हम लोग ने एक ब्रेक लिया था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी एंड वी आर अबाउट 29 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जवाहर। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर और आजू बाजू छोटे गांव है। सो अभी हम लोग दबोसा वाटरफॉल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है जो यहाँ पे दिख रहा है। ये रास्ता जो है ये दबोसा वाटरफॉल जाता है। हमें बहुत ये था कि हम लोग ये वाटरफॉल देख के जाए बिकॉज बारिश के टाइम पे ये बहुत ब्यूटीफुल रहता है, बट अभी कोरोना वायरस की वजह से इसे बंद करके रखा है। सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज़ वी जस्ट गोइंग टू यू नो रेस्ट हियर, रिलैक्स फॉर सम टाइम 10-15 मिनट्स एंड देन हेड बैक फॉर बॉम्बे। बम की एकदम लग गई है बिकॉज इतना टाइम 3 महीना घर पे बैठ के बम को ना एकदम गद्दे की आदत हो गई है और ये सीट बहुत कड़क है। बम जम जाता घर में, बम में दम छोड़ दिया, बम में दम खत्म हो गया और आदत डालनी पड़ेगी अभी। अभी हमारा ब्रेक खत्म हो गया तो इंजॉय करिए थोड़े टाइम लैप्सेस और थोड़े नज़ारे यहाँ के।
इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। राइड में बहुत मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा था, रोड्स भी बहुत अच्छे थे और नेचर के बीचों बीच बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है ना। 3 महीने के बाद बाइक चला के रियलाइज़ हुआ कि मैं ये कितना मिस कर रहा था। तो मैं सजेस्ट करूँगा नेक्स्ट वीकेंड पे आप भी अपनी बाइक या गाड़ी निकालिए और एक राइड पर जाइए।